नमस्ते दोस्तों, मैं मोरे वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम अरे यायावर रहेगा याद, जिसमें 8 यात्राओं का वृत्तांत लेखक ने दिया है, जिसमें से 4 यात्रा का अनुभव हम देख चुके हैं। आज हम 5वां देखेंगे, जिसका शीर्षक है मौत की घाटी में। तो चलिए मौत की घाटी यह यात्रा वृत्तांत देखते हैं। लेखक ने इस शीर्षक के शुरुआत में ही अपने यात्रा लेखन के बारे में कुछ कहा है, जिसमें वे कहते हैं कि 6 राती और 6 दिनों की यादें स्मरण हो जाती है। बरसात के दिन चले गए थे, धूप थोड़ी आ रही थी। मनारी गांव लांग कर लेखक मनुरिखी मंदिर की ओर जाते हैं। मनुरिखी नाम है मंदिर का। ऊपर चढ़कर जाते हैं और उनको वहां का वातावरण अत्यंत सुनसान दिखाई देता है। कोई भी वहां नहीं है, पक्षियों की आवाज़ भी नहीं आती, सब तरफ अंधेरा ही रहता है। लेखक वहां से जल्दी लौट आते हैं, गाँव की ओर बढ़ते हैं और गाँव के लोग शाम होते ही घर के आसपास जमा होने लगते हैं और गपशप करते हैं। गांव में एक भी दिया जलता नहीं दिखाई देता। प्रांत काल होते ही स्त्रियां अपने काम पे लग जाती है और पुरुष जंगल में जाकर लकड़ी को इकट्ठा करना, खेती करना, जानवरों को चराना आदि काम करते हैं। लेखक जब लौट कर आते हैं तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। अंधेरा होने के कारण कुछ दिखाई नहीं देता है। बीच बीच में सिर्फ जोर से हंसने की आवाज आती है। किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ लेखक के पैरों की आवाज आ रही थी। लेखक जब गांव में प्रवेश करते हैं तो अचानक घर के दरवाजे खुलने लगते हैं। दो दो तीन तीन लोग बाहर आकर खड़े होने लगते हैं। सब लोग बाहर आकर लेखक को देखने लगते हैं। लेखक को कुछ समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। वह वैसे ही आगे बढ़ते हैं और रोष है, दोष है, एकाएक उन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। सभी लोग एक ही स्वर में घृणा व्यक्त करने लगते हैं। लेखक डरते हुए किसी तरह उनके ठहरे हुए घर तक पहुंच गए और जल्दी घर के भीतर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। उन लोगों की घृणा है तो है क्यों, ऐसा लेखक को लगने लग जाता है। इस घटना के बारे में लेखक सोचने लगे। लेखक ने ऐसा कुछ किया भी नहीं था जिससे डर लगे। लेखक के मन में तरह तरह की बातें आने लगते हैं। वैसे ही विचार करते हुए वो सो जाते हैं। जब सुबह हुई तो उन्होंने रात वाली बात श्रीयुत बनेन वहाँ के जो एक व्यक्ति हैं उससे वह बात करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जिस घर में लेखक ठहरते हैं उस घर में एक साल पहले जो लोग ठहरे थे उन्होंने गांव के स्त्रियों के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी। फिर गांव के लोगों ने उन्हें पत्थर मारकर भगाया था। गांव के लोग बड़े अभिमानी हैं। पिछले लोगों को उन्होंने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज की थी और थानेदार ने गाँव वालों को धमकाया था। इस वजह से गाँव वाले हर आने वाले व्यक्ति पर संदेह करते रहते हैं। लेखक का परिचय श्रीयुत ने गांव की मुखिया सभी गाँव वालों से करवा दिया और लेखक की ओर से अस्वस्थ भी किया गया। लेखक ने शाम को घूमना बंद किया। जब अगर वे घूमने निकलते तो गांव की ओर नहीं जाते। उसके 2-3 दिन बाद लेखक के पास एक आदमी आता है। लेखक कहते कि वो मनाली का नहीं था क्योंकि वहां के लोगों से वे परिचित हो गए थे। उस वक्त लेखक कुछ लिख रहे थे। उस आए हुए व्यक्ति को बैठने के लिए कुर्सी दी गई। पहले इधर उधर की बातें, गाँव वालों की बातें करते हुए उस व्यक्ति ने सब्जियां ला कर दूंगा ऐसा कहा। लेखक के सामने गाँव वालों की बुराइयां करने लगा। फिर उसने ऐसा प्रश्न पूछा जिसका संकेत गलत वासनाओं के प्रति था। लेखक स्तब्ध होकर उसे ताकते रहे। लेखक को उस व्यक्ति पर क्रोध आ रहा था लेकिन उन्होंने व्यक्त नहीं किया, उसे साफ इनकार कर दिया। उसके बाद लेखक का मन लिखने का नहीं हुआ। लेखक ने वह मकान छोड़ दिया और मनाली से उत्तर नई बस्ती में जाकर रहने लगे। श्रीयुत बनेन साहब ने अपने बंगले का एक आधा हिस्सा लेखक को रहने के लिए दिया गया और यहाँ का वातावरण लेखक को प्रसन्न कर देता है। फिर एक घटना घटती है। लेखक को चिट्ठी लिखने की बहुत आदत थी और ज़्यादातर वो चिट्ठियाँ लिखते थे। जो भी पत्र आते वो फाड़ देते थे पढ़कर और फेंकने के बजाय अपने कोट के जेब में जमा कर जब भी वो घूमने निकलते तो वो सारा कचरा, उनके पास जो भी पत्र का फटे हुए रहता था तो वो नदी में बहा देते थे। सफाई यात्रा पर निकलते समय रास्ते में जो कुछ कचरा मिलता वह उठाकर नदी में बहा देते थे। नदी में कचरा बहाते समय सुंदर वर्णन भी लेखक ने इस यात्रा वृत्तांत में किया है। लेखक ने आगे कहा है कि देवताओं के अचल में रहते हुए भी उनको घूमने के लिए कोई स्थान नहीं मिला तो लेखक ने वह लिखना बंद कर दिया। उसका विस्तार भूलकर लेखक को लगा उसने मौत की घाटी नाम ये अपना दिया है, मानो अपने उत्तरदायित्व को भूल गया है, सभ्यता के मद में चूर रहता है, नदी झील को गंदा कर रहा है।
इस सृष्टि को खराब कर रहा है। लेखक यह भी कहते हैं कि इसकी आलोचना करने से इसका परिणाम बदलने वाला नहीं है। पहाड़ों पर या पर्वतों पर जो कुछ हो रहा है उसकी जांच करनी चाहिए। केवल पर्वतों की नहीं अपनी भी जांच करना आवश्यक है, क्योंकि लेखक का मानना है कि वहां पर घूमने गया हुआ सामाजिक मानव अपना अधपतन और गंदगी फैला रहा है। पहाड़ों जैसे पुण्य भूमि पर पतन, रोग और मृत्यु की एक गहरी रेखा खींच दी है, जिस कारण रोग का आतंक पूरी तरह फैल गया है। पहाड़ियों का आचार जो उनके जीवन के अनुकूल है, लेखक कुल्लू के अचल और हिमालय के निकट लाहुली में जो रहने वाले लोगों के आचरण का उदाहरण भी देते हैं। लेखक आगे की यात्रा मनाली से रोहतांग की करते हैं। यह रास्ता 13-14 मील का अंतर है। उनके साथ उनके दो मित्र भी जुड़ जाते हैं। उनकी पार्टी की व्यवस्था भी लेखक करते हैं, उनको पार्टी देते हैं। पहाड़ी, नदी, जंगल, कई कई छोटे छोटे बौद्ध शैली मंदिर देखते हुए लेखक और उनके मित्र आगे बढ़ते हैं। कड़ाके की ठंड थी, इसलिए दो दो ब्रांडी पीकर वे पहली चढ़ाई चढ़ गए, लेकिन 11,000 फुट ऊपर जाकर उन लोगों को विपरीत असर जान पड़ा। ब्रांडी पीने से गर्मी होगी ऐसा उनको लगा था, लेकिन उसका असर बहुत समय तक रहा नहीं। ठंड, थकान और ब्रांडी पीने के कारण लेखक को मतली होने लगी। पहाड़ी के एक दरार में बर्फ का पुल बना हुआ था, उसके नीचे पानी बह रहा था, ऊपर से रास्ता था, उसको पार करते हुए चोटी के निकट तक पहुंच गए थे। थोड़ी देर वहीं रुक जाते हैं, सब लोग आगे बढ़ गए। लेखक से उठा नहीं जा रहा था, चक्कर आने लगा था। लेखक कितनी ही देर वही अपने साथियों का इंतजार करते रहे। उन्हें बाद में पता चला कि उनके दोस्तों को लगा लेखक दूसरे रास्ते से उतर गए होंगे, यह सोचकर वे भी उतर गए। लेखक वही इंतजार करते रह गए, उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। ठंड के कारण ऐठन आ गई थी, शाम होने को आ गई थी। लेखक को लग रहा था कि अब रात वही काटनी पड़ सकती है। यह सोचकर लेखक को डर लग रहा था, कल तक जीवित भी रहेंगे कि नहीं यह भी लग रहा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लेखक सोच रहे थे कि साथी लोग नहीं आए तो फिर क्या होगा। फिर लेखक ने बर्फ पर अपना नाम लिखकर आए थे ये याद आया। लेखक ने उसे थोड़े ही पता चले गया कि लेखक कहाँ, ऐसा भी संदेह होने लगा। अध चेतना अवस्था में पड़े थे, तभी उनको गाने की आवाज़ सुनाई दी। ये उठकर आवाज़ देने की कोशिश भी करते हैं लेखक, किंतु असफल रहते हैं। फिर वही मुसाफिर जो एक लेखक को देखते हैं और उनके पास जाते हैं, वे सिविल सर्जन निकलते हैं। उनके उपचार से लेखक उठ सके उन्होंने आग्रह किया कि वे उनके साथ चले, किंतु लेखक को अपने दोस्तों का इंतज़ार था। मृत्यु से वह बच चुके थे और उस व्यक्ति के साथ या उस सर्जन के साथ लेखक पहाड़ी से उतर जाते हैं। लेखक कहते कि यह उनके लिए मृत्यु का पहला अवसर नहीं था, पहले भी 6 बार मृत्यु उनके समीप आकर चली गई थी। लेखक कहते कि जब आदमी अपना नहीं रहता उसे मोह नहीं छोड़ पाता। लेखक का मौत की घाटी में यह सत्य रहा है। तो यहाँ पर ये यात्रा वृत्तांत समाप्त हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।